Hi everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Shivranshi. I hope you guys are doing really really good and today we are going to talk about self-care. तो सेल्फ केयर आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है लेकिन स्टिल आई फील देर आर सो मच थिंग्स विच आर अनएक्सप्लोर्ड सो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू टिप्स विच यू कैन ऐड टू योर सेल्फ केयर रूटीन एंड यू कैन थिंक अबाउट देम तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल ऑलरेडी देन प्लीज मेक श्योर टू डू इट प्रेस द बेल आइकन तो कि ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो यू गेट नोटिफाइड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ केयर इन इटसेल्फ इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बट मेजरली हम सिर्फ अपने एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं बट सेल्फ केयर इज अ लॉट मोर देन दैट बहुत टाइप्स के होते हैं कुछ के बारे में हम अभी बात करेंगे लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल सेल्फ केयर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है दैट इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू सी के यू आर पैम्परिंग योर सेल्फ यू आर डूइंग योर नेल्स यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग ये सब चीजें आती हैं हमारे फिजिकल सेल्फ केयर के अंदर देन वी हैव इमोशनल सेल्फ केयर आई मीन जिसके अंदर हमारे इमोशंस हमारी मेंटल हेल्थ जैसी चीजें आती हैं लाइक हाउ गुड यू आर विद योर इमोशंस आपको कितनी बार पता होता है वॉट यू आर फीलिंग एंड वॉट नॉट एंड कितनी बार हम दूसरों की चीज़ों से इफेक्ट हो जाते हैं इट्स ऑल अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग्स देन वी हैव स्पिरिचुअल सेल्फ केयर विच इज लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए इट कैन बी रिलीजियस इट कैन बी नॉन रिलीजियस इट कैन बी समथिंग सम गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स और योर गॉड और योर डाइटी उसमें आप कैसे बिलीव करते हैं उनके साथ आप कैसे ट्यून इन करते हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेल्फ केयर देन वी हैव इंटेलेक्चुअल सेल्फ केयर विच इज लाइक अबाउट हाउ यू आर ग्रोइंग इन लाइफ हाउ यू आर थ्राइविंग इन लाइफ कुछ एक्टिविटीज जो आप करते हो अपने माइंड सेट को ग्रो करने के लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर एंड देन वी हैव लाइक सोशल सेल्फ केयर विच इज अबाउट पीपल फ्रेंड्स प्लेसेज बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ आपको मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगता है जिनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत अच्छा लगता है दैट कैन बी योर फैमिली दैट कैन बी योर फ्रेंड्स और अ प्लेस जहाँ पे जाकर आपको बहुत अच्छा लगता है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर सोशल सेल्फ केयर सो इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्फ केयर में से मैंने कुछ हैबिट्स निकाली हैं जो मैं खुद करती हूँ विच आर अ पार्ट ऑफ माई रूटीन एंड आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल सो दैट यू नो यू कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देम ऑल्सो ये हैबिट्स कोई ऐसी नहीं है कि आप एक दिन में पिक कर लोगे इट्स गॉना टेक टाइम बट यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड कंसिस्टेंसी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर वो नहीं होगी तो यू नो यू विल बी सर्कलिंग अराउंड इन वन थिंग एंड यू विल नेवर बी एबल टू डू इट सो कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी चीज़ को करने के लिए बीट एनी थिंग इन योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द हैबिट सो द नंबर वन टिप आई वॉन्ट टू गिव यू इज टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बहुत बार ऐसा होता है हमारे डिसीजंस हमारी फीलिंग्स दूसरों से इन्फ्लुएंस होती हैं अदर पर्सन सेज दैट ओके यू लाइक दिस थिंग एंड यू ऑल्सो थिंक ओ या ही इज सेइंग और शी इज सेइंग आई लाइक दिस थिंग आई माइट लाइक दिस थिंग बट हो सकता है अंदर से यू डोंट फील गुड अबाउट इट सो यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ अपने बारे में जानो अपने बारे में आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है क्या आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो आप चेंज करना चाहते हो यू नो जस्ट सिट विद योर सेल्फ आई डू दिस थिंग विच कैन बी फनी फॉर मैनी पीपल बट इट हैज़ वर्क फॉर मी मैं अकेले अपने आप से बातें करती हूँ आई स्टिल डू इट एंड आई स्टार्टेड इट अराउंड लाइक 4-5 years back एंड मैं खाली बैठी होती थी तो मैं अपने आप से बात करती थी कि ओके यार आई थिंक आई रियली नीड टू चेंज दिस हैबिट ऑफ माइंड आई थिंक आई एम डूइंग रियली गुड इन दिस यार मुझे ना थोड़ा सा ऐसा भी करना चाहिए तो यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ यू आर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद योर सेल्फ एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अगर आप अपने आप से कनेक्टेड हो तो दूसरों के थॉट्स फीलिंग्स आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे एंड देन यू विल बी अ पर्सन जो कि अपने लिए स्टैंड ले सके अपने डिसीजंस खुद ले सके अपने आप से वेल कनेक्टेड हो नेक्स्ट अप इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल सेल्फ केयर एंड दैट इज एक्सरसाइजिंग सो हम एक अच्छा सा नेल पेंट लगा के एक अच्छा सा स्किन केयर करके वी थिंक इट्स सेल्फ केयर इट इज सेल्फ केयर बट स्किन नेल्स हाउ यू आर लुकिंग एंड विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखना है दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट मोस्ट पीपल रिलेट वर्किंग आउट विद देयर वेट लॉस फैट लॉस और डॉक्टर ने उनको बोला है करने के लिए बट आई वॉन्ट टू टेल यू एक्सरसाइज सिर्फ वेट लूज वेट गेन करने के लिए नहीं होती है वंस यू आर एक्सरसाइजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस आपका माइंडसेट ग्रो करता है ओके इफ यू वर्क आउट सो दैट यू नो योर माइंड कैन वर्क प्रॉपरली एक घंटा आप स्वेट कर रहे हो
एक घंटा नहीं तो आधा घंटा 45 मिनट्स यू नो दैट इज वेयर द डेवलपमेंट हैपन. डेली कुछ नया सीखो. इफ यू डोंट लाइक वर्किंग आउट गो डू योगा डू रनिंग. देयर आर मेनी थिंग्स ज्वाइन अ स्पोर्ट बट फिजिकली एक्टिव होना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अप इज फीड एन एनिमल और डोनेट समथिंग. सो दिस इज समथिंग जो कि करने के बाद यू इंस्टेंटली फील रियली गुड. बहुत सारे बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेटेड होती हैं एंड वी डू नॉट यूज देम. सो आई मेड दिस थिंग दैट वेन एवर आई बाय समथिंग आई डोनेट समथिंग एंड फॉर एनिमल्स ऑल्सो. जब भी आप किसी को कुछ खिलाते हो वो भी स्पेशली एनिमल्स बिकॉज दे कैनॉट डू इट फॉर देयर ओन सेल्फ. सो यू गेट अ फीलिंग विच इज इंस्टेंटली सो सो गुड एंड दैट सैटिस्फाइज योर सोल इमीडिएटली. कभी भी आप नोटिस करना आपके घर में अगर लेफ्ट ओवर खाना भी पड़ा है यू नो फीड इट टू द काउज फीड इट टू द डॉग्स. Just do it for 3 days and you know you will feel so good about it. Next up is have an uplifting playlist. So हम generally बहुत ज़्यादा music सुनते हैं. I think India में सबसे ज़्यादा music सुनते होंगे. मुझे भी music सुनना बहुत पसंद है. But you know there are certain songs, certain music जो कि ना सुन के आपको एकदम से आपके mood को uplift कर देते हैं. Like for me it's spiritual music. मुझे like certain spiritual music बहुत ज़्यादा पसंद है. I like Japanese music a lot. I mean मैं कितनी भी बार अगर काम कर रही हूँ editing कर रही हूँ I'll play some Japanese music. They are so light, so soothing and बस मैं अपना काम करती रहती हूँ उसके साथ में. वो साथ साथ चलता रहता है एंड समटाइम्स आई कॉल इट दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ. तो या यू कैन हैव एन अपलिफ्टिंग प्लेलिस्ट फॉर योर सेल्फ जो कि कभी भी आपको यू फील लो यू फील बैड यू कैन ऑलवेज पुट सम म्यूजिक आउट ऑफ इट एंड यू नो चेंज योर मूड इंस्टेंटली. नेक्स्ट अप इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप एंड दैट इज सेइंग नो टू सर्टेन थिंग्स एंड पीपल. बहुत बार वी डू थिंग्स फॉर द सेक ऑफ इट या फिर आउट ऑफ हैबिट. एज फॉर एग्जाम्पल से आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं प्लान बनाया बट आपको नहीं जाने का मन है एंड यू आर जस्ट गोइंग बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू से नो एंड उसके बाद यू कम बैक यू डोंट फील गुड अबाउट इट. आप जब तक वहाँ पर थे यू डोंट फील गुड अबाउट इट. उससे बेटर है स्टार्ट सेइंग नो. नाउ आई एम सो मच अप फ्रंट विद द फैक्ट दैट इफ आई डोंट वॉन्ट टू गो समवेयर आई पोलाइटली से नो या प्लीज आई हैव सम प्लान्स विद माई ओन सेल्फ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स एट होम. तो यू नो इफ यू फील द सेम एंड यू एंड अप बीइंग इन दैट सिचुएशन तो यू नो ट्राई टू बी एज मच एज क्लियर एज यू कैन and try to communicate with the person and you know just start saying no. The last tip for today that I want to share with you all is to spend some time with yourself. Most of the times in our lives we are always with someone. We live with the families. हमें कहीं बाहर भी जाना है तो we are accompanied by some family member, some friend, some colleague, somebody. We are always on phone. We are always talking. But आई विल सजेस्ट यू कुछ टाइम अपने लिए निकालो जो आप अकेले स्पेंड करो सो दैट यू कैन बिल्ड अ गुड रिलेशन विद योर सेल्फ. एंड दिस इज़ अ फैक्ट जब आप अपनी कंपनी में खुश होना स्टार्ट कर देते हो ना देन इट्स द बेस्ट बेस्ट थिंग दैट यू डू फॉर योर सेल्फ एंड यू बिकम सो मच काम इन योर सेल्फ कि आपको बाहरी चीज़ों की लोगों की हमेशा ज़रूरत नहीं रहेगी. ऑल्सो यू नो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम क्वाइटली जिसमें आप किसी से ना बात करो थोड़ा सा शांत रहो अपने ऊपर ध्यान दो अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो. एंड आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. अगर आपको इनमें से कुछ टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोज देन प्लीज़ डू लेट मी नो. आई वुड लव टू ब्रिंग दैट टू योर टेबल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गुड बाय एंड हैव अ गुड डे. बाय.